Hello, students. We had been studying about the six point of the chapter Kings and Chronicles. The six point has been classified in three parts. The first part was capital cities, in which we studied that the capital cities were transferred time to time within four uh, sorry within two centuries. These were transferred. To four places. First of all, it was situated in Agra. After that, in Fatehpur Sikri. And after that, it was replaced to Lahore, where Akbar remained ruled for 13 years. And in 1648, it was replaced to Shah by Shah Jahan. Now, our next point is the Mughal court. Let us see that what type of the arrangement was of the Mughal court. So let us start the, the physical arrangement of the Mughal court. The physical arrangement of the Mughal court focused on the sovereign mirrored his status as the heart of society. Its centerpiece was therefore the throne. Hmm. कहने का मतलब यह बेटा कि शासक पर केंद्रित दरबार के, के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में हार्ट ऑफ सोसाइटी समाज के हृदय के रूप में जो प्रदर्शित किया गया था और इसका केंद्र बिंदु क्या था इट्सेंटर पिस वॉस दियर फोर थ्रोन इसीलिए इसका केंद्र बिंदु जो है उस थ्रोन को तख्त को माना गया है, है? यानी रूलर जो सुवरजीन थी उसकी जो प्रभुसत्ता थी वो उसकी तखत थी वो उसकी सिंहासन थी देट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सिस मंडी वॉट इज एक्सिस मंडी बेटा देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है द एक्सिस मंडी इज ए लेटिन फ्रेज फॉर ए पिलर और पोल देट इज विजुअलाइज एज द सपोर्ट ऑफ द अर्थ यानी एक्सिस मंडी जो है वो एक पिलर के रूप में परिभाषित किया जा रहा है जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है ठीक है ना तो इसका मतलब बेटा कि द द दॉ कंसिडर्ड एक्सिस मंडी ऑफ द मुगल एम्पायर यानी वो जो जो सिंहासन था वो मुगल एम्पायर की एक एक्सिस मानी जाती थी एक पिलर माना जाता था जिसके ऊपर की वो बेस्ट है ठीक है बेटा और अगला आपका द कैनोपी वॉट इज द कैनोपी मतलब इसे आप जो है छतरी कह सकते हैं है ना विच वॉज बिल्ट ओवर द थ्रोन ठीक है तो ये कैनोपी क्या करती थी बेटा द कैनोपी वॉज कंसिडर्ड टू सेपरेट द रेडियंस ऑफ सन यानी सूर्य की किरणों को अलग करती थी फ्रॉम सोवर्जिन ऑफ द एम्पायर हाँ एम्परा यानी कि सूर्य के किरणों से इस सम्राट की प्रभुसत्ता को सेपरेट करती थी क्या वो केनोपी जो छतरी लगी होती थी ना वो थोड़ा सा डिफरेंस शो करती थी कि ये जो है जो सूर्य की भगवान सूर्य की जो किरणें आ रही हैं उससे थोड़ी सी डिफर हैं हमारे इस सम्राट की आभा ठीक है और हाउ पीपल कंसिडर्ड कोटियस स्टेटस वहाँ पे कोर्टियस लोगों के स्टेटस को जो कैसे समझा जा सकता था वट वॉज द अरेंजमेंट फॉर सीटिंग द कोर्टियस तो चलिए बेटा इसको देखते हैं ठीक है द कोर्टियस हा बेटा हाउ पीपुल रिकोगनाइज दैट वट वॉज द स्टेटस ऑफ द कोर्टियस फॉर इट इट हैज मीन रिटर्न दैट In court, the status was determined. The status was determined by the special proximity, by the special proximity, proximity to the king. यानी कि किसी के value को, उसके status को कैसे समझा जाता था? कि वो राजा के कितने पास बैठा हुआ है? मतलब the place अकॉर्डेड टू अ कोर्टियर बाय द रूलर द प्लेस एकॉर्डेड टू अ कोर्टियर बाय द रूलर वॉज अ साइन ऑफ हिज इम्पॉर्टेंस इन द आइज ऑफ द एम्पर यानी कोई दरबारी जो है वो राजा के कितने करीब या कितने दूर बैठा हुआ है इससे उसकी वैल्यू उसके इस्टेटस का पता चलता था सम्राट की निगाहों में उसकी क्या वैल्यू है कितनी क्लोजनेस है उसके प्रति इट वॉज रिकोगनाइज बाई हिज प्लेस बाय द साइड ऑफ द एम्पर सम्राट के पास उसकी कितनी दूरी है उसकी सीट की इससे उसका पता लगता था ठीक ना और वाट वर द रूल्स इन द कोर्ट तो बेटा दे आर सम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द कोर्टियस समझना यानी कोर्टियस के लिए बहुत ज़्यादा सख्त नियम थे क्या नियम थे भाई इफ वंस द सेट ऑन द थ्रोन यानी इफ वंस यदि एक बार जो है जब राजा आ गया, आ गया गया और कोर्ट सिंहासन पर बैठ गया तो क्या होता था इफ वंस द एम्पर सेट ऑन द थ्रोन नो वन वॉज परमिटेड टू मूव फ्रॉम प्रोमिस पोजिशन और टू लिव विदाउट परमिशन सो नो वन वॉज परमिटेड टू मूव हिज प्रोमिस पोजिशन किसी को भी अपनी जगह से हिलने की अनुमति नहीं थी और टू तो लिव विदाउट द परमिशन ऑफ द रूलर या सम्राट की आज्ञा के बिना किसी को जाने की भी इजाजत नहीं होती थी सच टाइप ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स भी विच हैड टू फॉलो टू एवरी कोर्टियस जिसे हर दरबारी को फॉलो करना मस्ट था बट इवन इफ एनी वन डिस द रूल्स यदि किसी ने नियम को डिसे कर दिया तो क्या होता था ये होता था द स्लाइटेस्ट टेस्ट ऑफ इलिक्विड यानी इसका मतलब बेटा द डिसओबे ऑफ द आइडियल रूल्स यानी जो नियम बनाए गए उनको यदि उल्लंघन उन कोई कर देता है ना तो ये क्या होता था वॉज नोटिस्ड उसे तुरंत जो है उस पर ध्यान दिया जाता था पकड़ा जाता था एंड पनिश्ड ऑन द स्पॉट और एटवंस उसे जो है दंडित भी किया जाता था कर, इफ़ एनी वन डिसोबे द रूल्स यदि किसी ने उन नियमों को डिसोबे कर दिया तो उसे तुरंत जो है पनिशमेंट मिलती थी सज़ा मिलती थी ठीक है ना एंड वट द सिस्टम ऑफ द सेल्यूटेशन वहाँ पे सेल्यूट करने के जो अभिवादन करने के जो तौर तो तरीके थे वो क्या थे बेटा तो चलिए हम इसके बारे में चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ सेल्यूटेशन इसी में है ठीक ना? ये पॉइंट का इसी में है जो आपका चल रहा ना द मुगल कोर्ट वट वॉज द अरेंजमेंट ऑफ द मुगल कोर्ट्स तो अभी आपने देखा कि देर वॉज द सिस्टम फॉर सिटिंग द कोर्टियस एंड इन विच वे दे देल्यूटेड डेयर एम्प्र या एनी वन केम टू मीट द रूलर कोई भी जो आता था वो हाउ ही सेल्यूटेड टू द रूलर कैसे वो जो है अभिवादन करता था चलिए हम इसको देखते हैं बेटा तो इसमें बेटा द फॉर्म्स ऑफ सेल्यूटेशन द फॉर्म्स ऑफ सेल्यूटेशन टू द रूलर यानी सम्राट को अभिवादन करने का जो तौर तो तरीका था ना जो प्रोसेस जो था जो मेथड था इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस इन द दैरजी यानी उसकी हेडर्जी का मतलब जो है द वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्सन यानी अभिवादन करने का जो तौर तो तरीका था उससे उस व्यक्ति उस की वैल्यू का उसके महत्व का पता चलता था कि कौन कितना महान है उसके सामने कैसे जो है अभिवादन करना चाहिए तो इसका पता चलता था तो देर सिविलर प्रोसेस सॉरी मेथड्स ऑफ द सेल्यूटेशन दो मेथड्स वेयर एस फॉलो वो ऐसे थे देखिए पहला आपका बेटा कॉर्निश व्हाट वाज़ अ कॉर्निश बेटा कॉर्निश वाज़ ए फॉर्म ऑफ सेरिमोनियल सेल्यूटेशन बेटा विच वॉज फंक्शन विथ सेंस एंड माइंड ये जो है एक औपचारिक अभिवादन का तौर तरीका था जिसमें कि ये सेल्यूट करने वाला शो करता था कि वी आर सेल्यूटिंग टू द रूलर विथ आवर सेंस एंड विथ आवर माइंड यानी वी आर डिवोटेड टू हिम ही हम उसके प्रति पूरा जो डिवोटेड हैं समर्पित हैं हाउ ही सेल्यूटेड वो कैसे सेल्यूट करता था तो बेटा इसमें जो है ही द ऑफ हिज राइट हैंड अगेंस्ट इज फोर हेड एंड अपने दायने हाथ की हथेली को जो है ना अपने दायने हाथ को अपने सर के आगे जो है आ, लगाता था और बेंट हिज हेड अपने सर को झुकाता था और ऐसा करके क्या करता था इट सजेस्टेड दैट द सब्जेक्ट प्लेस्ड हिज हेड द सीट ऑफ द सेंस एंड द माइंड ऐसा करके वो बताता था कि मैं अपने सेंस और माइंड के साथ यानी अपने इंद्रिय शक्तियों के साथ अपने मन मस्तिष्क के साथ आपको अभिवादन कर रहा हूँ आई एम डिवोटेड एब्सोल्युटली फॉर यू है इन योर एवरेंस आपके सम्मान में पूर्णतया मैं यहाँ पे आत्मसमर्पित हूँ इस तरीके से वो जो है सेल्यूट करता था ठीक है ना और अगला बेटा आपका सिजदा नेक्स्ट है आपका सिजदा इट वॉज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन ये जो है सेल्यूट uh, करने की जो है सबसे ऊँची पद्धति थी सबसे मतलब अच्छी पद्धति मानी जाती थी इन विच द सेल्यूटर शोट हिमसेल्फ द कम्प्लीट इन प्रोस्टरेशन यानी पूरा दंडवत जो लेट जाता था इसे जो है सिजदा कहते हैं इसे जो है सबसे uh, अच्छा सेल्यूट करने का तरीका माना जाता था यानी कोई दंडवत एकदम जो सामने लेट जाए तो वो कहलाता था, था सीजदा करना ठीक ना एंड द अदरवाइज द पर्सियन कस्टम यानी जो इरानियन कस्टम थी जो फांसी तौर तो तरीका था सैल्यूट करना का सेल्यूट करने का कर था वो कैसे था इट वॉज द क्लेस्पिंग इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट ठीक ना तो क्लेस्पिंग इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट यानी अपने हाथों को जो है चेस्ट के आगे जो है क्लैस् करना था जोड़ना था है और सर को झुकाना था ठीक ना इस तरीके से जो है वो सेल्यूट किया जाता था एंड अदरवाइज चाह तस्लीम, चाह तस्लीम तस्लीम का मतलब सबिशन यानी टू डिवोशन पूरा समर्पित हो जाना हाउ आट इट सेल्यूटेड इट बिगिन विद प्लेसिंग द बैक ऑफ राइट हैंड ऑन द ग्राउंड यानी कैसे करना होता था दाइने हाथ को जो है जमीन पर रखना होता था एंड रेजिंग इट जेंटली और इसे धीरे धीरे वहाँ से उठना होता था कैसे टिल द पर्सन स्टैंड्स इरेक्ट जब तक से कि वो आदमी सैल्यूट करने वाला सीधा खड़ा ना हो जाए धीरे धीरे करना होता था एंड ही पुट्स द पाम ऑफ इस हैंड अपॉन द क्राउन ऑफ इस हेड और अपने हाथ की हथेली को अपने सर तक ले जाता था ना अपने सर तक ले जाता था

अ टाइप ऑफ किसिंग द ग्राउंड यानी किसी के सामने आप जाए एकदम ज़मीन चूम करके जो है ज़मीन को कड़ाम करके जो है उसको सेल्यूट करें तो ये सिस्टम थे बेटा ठीक है ना किसके सेल्यूट करने के और इन द रीन ऑफ शाहजहाँ बाय द पीरियड ऑफ हिज रिन द सेल्यूटेशन वेयर रिप्लेस्ड विथ चहा तस्लीम एंड जमी बोस यानी शाहजहाँ ने अपने रीन में अपने शासनकाल में इन दोनों को जो है लागू किया था कि यदि किसी को इफ एनी वन वॉन्टेड वॉन्ट टू सेल्यूट मी ही विल हैव टू सेल्यूट इन दिस टू सिस्टम्स आइडर इन चाह तस्लीम और इन जमीन बोस ठीक ना तो इस तरीके से लोग अभिवादन करते थे और बेटा अभिवादन करने का जो तौर तो तरीका होता है ना इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स in other religions different religions in other countries uh, it has been written in your book that it was uh, an event when uh, an ambassador came to the empire of shah jahan and they, when he met him how did he salute to the emperor shah jahan let us see the name of that ambassador was thomas ro एंड ही वॉज द एम्बेसडर इंग्लिश इन वो इन वॉय का मतलब एम्बेसडर थॉमस रो हो वॉज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट ये जेम्स फर्स्ट का जो है एक अंग्रेज राजदूत था होम टू मेट शाहजहा एंड सेल्यूटेड हिम इन दस्टम ऑफ यूरोपियन सिस्टम उसने यूरानी पद्धति से उसको सेल्यूट किया जैसे लोग कहते हैं क्लेस्पिंग हैंड्स हाथों को जोड़ करके एंड आफ्टर दैट ही आस्ट फॉर टेकिंग अ सीट हाँ फॉर फॉर सीटिंग उसने बैठने के लिए सीट मांगी सींग दिस थिंग्स ऑल द कोटियर्स एंड ऑल्सो द रूलर बिकेम एस्टोनिस्ट उसकी इस सिस्टम को देख करके लोग जो है स्तब्ध रह गए बट वट कोट यू डू वो क्या कर सकता था ही डन वाट ही न्यू उसने तो वही किया था जो कि वो जानता था तो बेटा इस तरीके से ये चल रहा था अभी इसमें का और पार्ट है जो कि हम अगले दिन आपको सेंड करेंगे ठीक है ना तो आज जो आपने देखा उसे आप एक बार से देख लीजिए फिर से ये है बेटा द मुगल कोर्ट मुगल कोर्ट का अरेंजमेंट कैसे होता था दो जो सेंट्रल है जो उस कोर्ट का जो सेंटर पीस माना जाता था वो तख्त मानी जाती थी यानी सिंहासन ठीक ना और दैट तख्त वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सिस मंडी मतलब एज द पिलर ऑफ मुगल एम्पायर इस तख्त को उस सिंहासन को मुगल साम्राज्य का पिलर माना जाता था ठीक ना और जो एम्पायर है उसे जो है सुवर्जिन माना जाता था कि वही प्रभु सत्ता है ही एज अ डिवाइन पावर और जो उसकी केनोपी होती है वो सम्राट की आभा को उसकी कांति को सूर्य की कांति से अलग करती है ठीक ना और इसके बाद जो है वट वॉज द स्टेटस ऑफ द कोर्टियस हाउ एनी वन कंसिडर्ड अबाउट द पोजिशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द कोर्टियस इट वॉज रिकोगनाइज बाई द डिस्टेंस ऑफ द ऑफ दैट दर्टे फ्रॉम द एम्प्र सम्राट से उस कोर्टर की दूरी क्या है वो उसके नज़दीक बैठा क्लोजनेस है या दूरी है इसी से उसकी वैल्यू का उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता था ठीक ना देर बस सब स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द कोर्टियस दरबारियों के लिए बड़े कड़े नियम थे दैट इफ एनी इफ वंस द एम्परर सेट नो वन कुड मूव फ्रॉम दिस पोजिशन एंड नो वन कुड गो एनी वेयर विदाउट अ परमिशन कोई हिल भी नहीं सकता था कहीं जा नहीं सकता था बिना परमिशन के एंड इफ एनी वन वॉज इफ एनी वन डिस द रोल्स ही वॉज पनिश्ड एट वंस यदि किसी ने उसको डिसोवर किया तो तुरंत उसको जो है सजा दी जाती थी एंड दीज व फॉर्म्स ऑफ द सेल्यूटेशन ये जो है उसकी सेल्यूटेशन की uh, पद्धतियाँ थीं कौन कौन सी कॉर्निश सिज द कॉर्निश जिसमें कि जो है एक वो औपचारिक तौर तो तरीका था हाथों को जोड़ करके सीजदा पूरा दंडवत लेट जाना पर्सन कस्टम द तो क्लेस्पिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट सीने के आगे जो है हाथों को जोड़ के जो है अभिवादन करना और चाह तस्लीम इट वॉज डन फोर टाइम्स ठीक ना आफ्टर टचिंग द ग्राउंड द पर्सन हैड टू स्टैंड अप जमीन को छूने के बाद उस व्यक्ति को खड़ा होना पड़ता था इट वॉज डन फोर फोर टाइम्स एंड द लास्ट वॉज जमीन बोस यानी टू किस इन द ग्राउंड दीज विद सिस्टम्स एंड शाहजहाँ इम्पोज टू सिस्टम्स ऑफ द सेल्यूटिंग विच वियर चहा तस्लिम एंड जमीन बोस एंड हियर इज एनिवेंट ऑफ एन एम्बेस्टर हुज नेम वॉज थॉमस रो हू केम टू द कोट ऑफ शाहजहाँ

total these were all thank you